राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बोकारो के राजकीय कृत मध्य विद्यालय चपरी का लिया जायजा, व्यवस्थाओं पर जताई प्रसन्नता। एएनएम दीदियों के बीच इलेक्ट्रिक स्कूटी का किया वितरण। ईडी की विशेष अदालत ने जमीन घोटाले में आईएएस छवि रंजन को भेजा जेल, ईडी के रिमांड पर लेने के आवेदन पर आज होगा निर्णय। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 7 तक की वार्षिक परीक्षा आज से शुरू। और बंगाल की खाड़ी में कल से 9 मई तक चक्रवातीय तूफान मोचा की चेतावनी, मौसम में एक बार फिर दिखेगा बदलाव, बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों ओडिशा के दौरे पर हैं। इस क्रम में राष्ट्रपति कल ओडिशा के मयूरभंज जिले के हाटबद्र गांव में ब्रह्मकुमारी सेंटर के नशा मुक्ति ओडिशा अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नशा मानव समाज के लिए अभिशाप है और दृढ़ संकल्प तथा आध्यात्मिक पाठ्यक्रम के माध्यम से इसे हराया जा सकता है। नशा को बीमारी बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक अभिशाप है। उन्होंने कहा कि नशा परिवार और समाज में तनाव पैदा करता है, इसलिए उसके परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जब लोग नशे के बुरे प्रभाव को समझेंगे तो निश्चित रूप से इसे छोड़ने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति ओडिशा में आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कल बोकारो जिले के राजकीयकृत मध्य विद्यालय चपरी का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से संवाद स्थापित कर उन्हें प्रोत्साहित किया तथा विद्यालय में किए गए इनोवेटिव और शिक्षाप्रद पेंटिंग की सराहना की। राज्यपाल ने मौके पर कहा कि इस विद्यालय की प्रगति को देखकर प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय में अभी सिर्फ 8वीं तक की पढ़ाई होती है, लेकिन बच्चों से संवाद के क्रम से लगता है कि यहां आगे की पढ़ाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों से कहा कि सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं संचालित है, उनका लाभ उठाना चाहिए। इस दौरान एएनएम दीदियों के बीच इलेक्ट्रिक स्कूटी का वितरण भी किया। माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक मंजू देवी, स्कूटी, ये तीन स्कूटियां यहां पर खड़ी हुई है सर सामने में। माय अपील टू यू इज दैट वी शुड टेक केयर ऑफ अवर एल्डर्स। सर का कहना है कि हमें सबसे पहले हमारे बुजुर्गों को जो आदर सम्मान देना चाहिए, हमें उनके प्रति रखना चाहिए। इफ अवर इनकम इज नॉट सफिशियंट, वी मस्ट अप्लाई फॉर द ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन और व्हाट एवर द स्कीम इज अवेलेबल, वी मस्ट ट्राई टू गेट द मनी फ्रॉम दैट। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो सरकार की तरफ से वृद्ध पेंशन, विडो पेंशन, ये स्कीम लागू करी गई है जिनका आप फायदा ले सकते हैं। झारखंड विधानसभा की प्राकलन समिति ने कल जमशेदपुर में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस बैठक में समिति के सभापति नीरल पूर्ति और सदस्य अमर कुमार बावरी, संजीव सरदार, समीर मोहंती और दशरथ गागराई मौजूद थे। उन्होंने वरीय पदाधिकारियों को प्राकलन के अनुसार योजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। बेंगलुरु से रेस्क्यू कर रांची लाई गई पहाड़िया जनजाति की 11 बच्चियों को आज उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। इनमें 7 बच्चियां पाकुड़ और 4 साहिबगंज की रहने वाली हैं। रांची के बाल अधिकार और संरक्षण अधिकारी इन सभी बच्चियों को लेकर उनके घर जाएंगे। मानव तस्करी की शिकार इन सभी बच्चियों को बेंगलुरु से रेस्क्यू कराने के बाद कल रांची लाया गया। बच्चियों के पुनर्वास को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 8 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 31 मरीज इस अवधि में स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना के 185 मरीज सक्रिय हैं।
अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का शैक्षणिक सम्मेलन 11 से 13 मई के बीच गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होगा। शिक्षा विभाग ने इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए शिक्षक को 9 से 15 मई तक का विशेष आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया है। राज्य के किसी भी विद्यालय में पठन पाठन बाधित नहीं हो, इसके लिए हर जिले से अधिकतम 12 शिक्षक ही इस सम्मेलन में भाग ले सकेंगे। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 7वीं तक की वार्षिक परीक्षा आज से शुरू हुई। इस बार पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों की मौखिक परीक्षा ली जाएगी, जबकि तीसरी से 7वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा। परीक्षा 13 मई तक चलेगी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद JCERT द्वारा परीक्षा का परिणाम 16 जून को घोषित किया जाएगा, लेकिन इससे पहले सभी बच्चे अगली कक्षा के लिए प्रोन्नत कर दिए जाएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर अपना त्यागपत्र वापस ले लिया। श्री पवार ने कहा कि वह लोगों की भावनाओं की उपेक्षा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि त्यागपत्र वापस लेने की पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग और वरिष्ठ नेताओं के पारित प्रस्ताव का वह सम्मान करते हैं। श्री पवार ने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष पद से त्यागपत्र की घोषणा की थी। इस पूरे प्रकरण के भीतर की हकीकत से अब भी पर्दा उठना बाकी है, लेकिन जिस राजनीतिक दांव को शरद पवार ने 3 दिन पहले चला था, उसकी मार ने एनसीपी के भीतर उठे नेतृत्व के संकट को अब लंबे अरसे के लिए टाल दिया है। शरद पवार ने शुक्रवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस ले लिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं आपकी भावनाओं का अपमान नहीं कर सकता, मैं भावुक हो गया हूं और अपना फैसला वापस ले रहा हूं। पवार ने अपने इस्तीफे को लेकर पार्टी के भीतर चर्चा न करने पर सफाई दी कि उन्हें पूरा अंदेशा था कि अगर वे पार्टी में चर्चा करते तो ये लोग मुझे ऐसा करने नहीं देते। सोचा था, कई दिनों से सोच रहा था, मगर मैं ये डिस्कस करूंगा पहली तो कॉन्फ्रेंस में जुड़ना, तो बिल्कुल मुझे इजाजत नहीं मिलेगी। इसका पूरा भरोसा मुझे था, इसीलिए मैंने बात देखी, ये बात सच है। यही नहीं, शरद पवार ने इस्तीफा वापस लेने के लिए एक और दलील रखी। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने के बाद वे सोचने लगे थे कि महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों और क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ताओं का सामना वे कैसे करेंगे। और जिससे जिससे कार्यकर्ता ने जो कॉन्टेक्ट किया और जो बताया, वो देखने के बाद मुझे लगा कि ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ये फेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद तो यहाँ से पूजा जा रहा हूँ, पूजा से सोलापुर जा रहा हूँ, सोलापुर से सागोला जा रहा हूँ, सागोला से पंढरपुर जा रहा हूँ, पंढरपुर से निफाली जा रहा हूँ और फिर वापस आ रहा हूँ। इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं की चयन समिति ने शुक्रवार को एक मत से शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद से दिए गए इस्तीफे को नामंजूर कर दिया। समिति ने शरद पवार को एनसीपी अध्यक्ष पद पर बने रहने का एक प्रस्ताव भी एक मत होकर पारित किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नेता माननीय शरद पवार साहब, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने का अपना विचार व्यक्त किया था। आदरणीय शरद पवार साहब का राजीनामा हम एक मत से सर्वानुमत नामंजूर करते हैं और उनको सामूहिक तौर से ये हम विनंती करते हैं कि उन्होंने अपने इस पद पर कायम रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाते रहना चाहिए। ऐसे में अब सियासी मैदान में सवाल उठ रहे हैं कि जब शरद पवार को इस्तीफा वापस लेना ही था तो उन्होंने इस्तीफा दिया ही क्यों? क्या वे अपने भतीजे अजीत पवार की संभावित बगावत और पार्टी के भीतर अजीत के बढ़ते कद से घबरा गए थे, या फिर शरद ने अपनी बेटी सुप्रिया सूले के हाथों में पार्टी नेतृत्व को सुरक्षित करने के लिए ये सारा नाटक रचा? बात जो भी हो, फिलहाल शरद पवार के अध्यक्ष पद वापस लेने की घोषणा के बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जश्न शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत नीति आयोग प्रतिमाह जारी किए जाने वाले डेल्टा रैंकिंग में बेहतरीन कार्य करने के लिए रामगढ़ जिले को मार्च 2023 की डेल्टा रैंकिंग में पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्षेत्र में मार्च महीने में जारी डेल्टा रैंकिंग में रामगढ़ जिले को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। डेल्टा रैंकिंग में बेहतरीन स्थान प्राप्त करने पर जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मियों को आगे भी इसी तरह कार्य करने के लिए शुभकामनाएं दी हैं।
ये भी कि स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में रामगढ़ जिले को सभी आकांक्षी जिले जो देश के हैं 112 जिले उनमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और हमें 77.4 स्कोर हम लोग किए हैं, इतना मार्क्स मिला हमको, जिसके चलते हम लोग फर्स्ट हुए हैं पूरे इंडिया में। तो इसके लिए काफी दिनों से हम लोग प्रयासरत थे और महीनों से सालों से प्रयासरत थे। बहुत सारा पोजीशन हमें मिला भी, दूसरा से लेकर छठा पोजीशन तक, लेकिन पहला पोजीशन आने से सभी जो स्टाफ्स डॉक्टर्स हैं इस जिले के वो काफ़ी अच्छा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आगे भी वो ऐसा प्रयास करेंगे। इसमें बच्चों का टीकाकरण, माताओं की देखभाल, संस्थागत प्रसव, टीबी बीमारी सबों पर मार्क्स दिया जाता है। और जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को 6 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी ईडी की विशेष अदालत ने आज इसकी मंजूरी दे दी है। इससे पहले छवि रंजन बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया। रांची में कल से सांसद सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत हुई। युवा रंगमंच की ओर से आयोजित इस 3 दिवसीय महोत्सव में तकरीबन 2200 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। सांसद संजय सेठ ने कहा कि इस महोत्सव से लोक संस्कृति और लोक कलाओं को संरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव कलाकारों को एक मंच पर लाने के साथ ही नए कलाकारों के लिए उत्साहवर्धन का काम करेगा। इधर राजधानी रांची में कल से ही बांग्ला सांस्कृतिक मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय सांस्कृतिक मेले में 50 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉलों में भी बांग्ला संस्कृति की एक झलक देखी जा सकती है। आयोजक सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि मेले में राज्य के कई हिस्सों से आए बांग्ला भाषी शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। राजधानी रांची के अरगोड़ा में 11 दिनों तक चलने वाले मंडा पूजा के अंतिम दिन सैकड़ों भक्तों और सोक्ताइनों ने बूढ़ा महादेव मंदिर में आराधना की। मंडा पूजा के सिलसिले में रात्रि में फूलखुंदी अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने जलते अंगारों पर चलकर श्रद्धा का परिचय दिया। आज झूलन के साथ ही मंडा पूजा सम्पन्न हो जाएगा। राजधानी रांची के बरियातू रोड में स्थित श्री राधा कृष्ण गार्डन सोसाइटी में 3 दिवसीय मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिला श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। इस दौरान पुजारियों द्वारा धार्मिक अनुष्ठान किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ओम विष्णुवे नमः। गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे। और अब जानते हैं मौसम का हाल। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बंगाल की खाड़ी में कल से 9 मई तक चक्रवातीय तूफान मोचा की चेतावनी जारी की है। इससे मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम के इस बदलाव से रांची समेत कई इलाकों में बारिश के आसार हैं।
गरीबी और अभावों के बावजूद कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने जेईई मेन में सफलता हासिल कर खूंटी जिले का नाम रोशन किया है। डीसी शशि रंजन की पहल पर सपनों की उड़ान कार्यक्रम ने कस्तूरबा की छात्राओं के सपनों को पंख दिए और एक साथ 10 छात्राओं ने कामयाबी हासिल की। आवासीय विद्यालय में किया। जिले के विभिन्न कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत मेधावी बालिकाओं का शिक्षा विभाग द्वारा काउंसलिंग कराया गया और मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए छात्राओं को तैयार किया गया। देखे जाए कि ट्रैफिकिंग की बच्चियां थी, चाहे सिंगल पेरेंट्स थे, अनाथ थे, इस तरह की बच्चियां मैक्सिमम यहाँ थे। और अभी भी जो आप देखेंगे 18 बच्ची, तो चूंकि खूंटी आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा ये बैकग्राउंड का नहीं, इसमें से बहुत सारी बच्चियां अनाथ हैं, कुछ बच्चियां के फादर हैं तो फार्मर हैं। सभी का अगर बोल दिया जाए तो एकेडमिक फाइनेंशियल पोजीशन देखा जाए तो आर्थिक रूप में सब किसान के ही रूप में। जिला प्रशासन ने छात्राओं के बेहतर तैयारी के लिए रांची के एक कोचिंग संस्थान से ऑफलाइन और राजस्थान तथा दिल्ली के बेस्ट कोचिंग संस्थान से ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की। बेहतर मार्गदर्शन में यहाँ के छात्राओं ने जेईई और नीट की तैयारी पूरे मन से की। जेईई मेन में कुल 18 छात्राओं में से 10 छात्राओं ने सफलता पाई। मैंने जेईई मेन्स क्वालिफाई किया है। हमने जब यहाँ गारवी में दाखिला किया तो हमें पता नहीं था कि हम साथ में जेईई मेन्स का भी तैयारी कर पाएंगे। रांची से यहाँ कालामाटी टीचर्स आते थे हमें पढ़ाने के लिए और हमने खूब मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है। मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट पहले दे चुके थे इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ कर पाएंगे। खूंटी की ऐतिहासिक पहचान भगवान बिरसा मुंडा से रही है और उस पहचान को गौरवान्वित किया है भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सरस्वती कुमारी ने। सरस्वती ने भी जेईई मेन में सफलता प्राप्त कर अन्य छात्राओं के लिए मिसाल पेश की है। जेईई मेन्स के बारे में यहाँ आने के बाद ही पता चला और फिर हमारे डीसी सर जो है वो हम लोग को बीच बीच आते रहे सर और हम लोग को मोटिवेट करते थे सर कि अच्छा से तुम लोग पढ़ाई करो। यहाँ के टीचर लोग का बहुत सपोर्ट रहा, वो लोग हम लोग को बहुत प्रोत्साहित किए कि हम लोग को अच्छा से मेहनत करके और हम लोग अपना सपनों को पूरा कर सकते हैं। सपनों की उड़ान कार्यक्रम को सफल बनाने में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के शिक्षिकाओं, वार्डन, कोचिंग करा रहे शिक्षकों और खूंटी शिक्षा विभाग का योगदान महत्वपूर्ण है। समय समय पर विद्यालय का निरीक्षण, छात्राओं के पठन पाठन की रिपोर्ट और स्मार्ट क्लास की सुविधा विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने में मददगार रही। खास बात ये कि गरीब, सुदूरवर्ती, सिंगल अभिभावक और ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चियों को कस्तूरबा में पढ़ने का अवसर दिया जाता है। जो बच्चे साइंस में इंटरेस्टेड रखते हैं उनका काउंसलिंग किया जाता है कि आप साइंस लेकर इस तरह से जेईई नीट की तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चों का रिजल्ट हुआ एकदम से हम लोग बहुत खुश है, ताकि बच्चे जितना खुश नहीं है उससे ज़्यादा अच्छा हम लोगों को लग रहा है। हम ये सबसे पॉइंट होता है कि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन टीचर का खुशी सबसे ज़्यादा होता है एंड ये बच्चे तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल 39 छात्राओं को सपनों की उड़ान कार्यक्रम के तहत स्मार्ट क्लास और बेहतर कोचिंग के माध्यम से तैयारी कराई जा रही है। छात्राओं और शिक्षकों को उम्मीद है कि नीट के एग्जाम में भी कस्तूरबा की छात्राएं अपना परचम लहराएंगी। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। हमारे पद्म में आज हम बात करेंगे डॉक्टर रत्नचंद्र कर के बारे में। 66 वर्षीय डॉक्टर रत्नचंद्र कर सेवानिवृत्त सरकारी डॉक्टर, जिन्होंने अपने फर्ज के आगे अपनी जान की भी परवाह नहीं की। जब 1999 में अंडमान निकोबार के एक द्वीप में खसरे का प्रकोप फैला तो डॉक्टर रत्नचंद्र कर ने खसरे से पीड़ित जारवा जनजाति के लोगों के इलाज की जिम्मेदारी ली। उन्होंने एक ऐसी जनजाति से दोस्ती की जो बाहरी लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखती है और उन्हें विलुप्त होने से बचा लिया। बहुत सी जनजातियाँ ऐसे संक्रामक बीमारियों या प्राकृतिक कारणों के चलते ही विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन डॉक्टर कर ने एक दुर्लभ जनजाति और उनके अस्तित्व के अधिकार के मूल्य को समझा। इन द ईयर वर्ष 1997-98 में जारवा जनजाति अपनी पारंपरिक शत्रुपूर्ण रुख को त्याग कर आम इंसानों के इलाके में आ गए थे, लेकिन इसके बाद वे कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो गए थे।
विशेष रूप से वर्ष 1999 के सितंबर अक्टूबर में जब खसरा बीमारी का प्रकोप शुरू हुआ, अंडमान और निकोबार प्रशासन और भारत सरकार ने मुझे जारवा जनजाति को घर घर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी दी थी। यह मेरे लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। पहले उनकी भाषा की समस्या, खाना बदोश जीवन शैली और उनके पास तीर थे, ये तो बहुत खतरनाक था। मैंने सोच लिया था कि मैं इन सभी समस्याओं को जीत लूंगा। धीरे धीरे मैं उनके दिल में अपनी जगह बनाने लगा, मैं उनका दोस्त बन गया। मैंने उनकी भाषा, उनकी संस्कृति सीखी, इसलिए उन्होंने उस समय मुझे अपना मान लिया। अपनी टीम के सदस्यों, अंडमान निकोबार प्रशासन और भारत सरकार के सहयोग से हम जारवा जनजाति को खसरे के प्रकोप और विलुप्त होने से बचाने में सफल हुए थे। जो डॉक्टर कर ने किया वो आसान नहीं था। उन्होंने उनकी भाषा सीखी, उनकी पारंपरिक आदतों और रीति रिवाजों को स्वीकार किया, उनका विश्वास हासिल किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से दोस्ती करने के लिए घर घर दौरा किया, उनकी पारंपरिक दवाओं के प्रति सम्मान दिखाया और केवल पूरक के रूप में ही अपनी दवाओं का प्रयोग किया। When I hear about his work, it gives me goosebumps. Because, you know, these endangered tribes in the interiors of Andaman, and a lot of these tribes had actually, in when you look at world's history, some of them have just disappeared because there is no medical help. When they get sick, there is no knowledge, and there is no one who has the skills and the knowledge to help them out. At that point of time, this iconic medical practitioners chose to take that as a challenge. He went there. He won their trust, became one of them. That human touch, you know, winning the trust of them is a Herculean task, and he was able to do it. He could definitely help overcome that measles scourge and the epidemics and continue to render this medical service to this community so that it can thrive. And that, I think, is so humongous in its contribution to the community, to the humanity in general. So truly, truly, you know, heartfelt congratulations and God bless you. God bless you, Dr. Karji. 2003 में पोर्ट ब्लेयर में स्थानांतरण के बाद भी वे जारवा जनजाति को चिकित्सा प्रदान करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाते रहे। 2014 में सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज सेवा का ये सिलसिला जारी रहा। जारवा समुदाय के पास एक समृद्ध विरासत और संस्कृति है, जिसे डॉक्टर कर ने एक पुस्तक में दर्ज किया, अंडमानेर आदिम जाति जारवा। जारवा जनजाति एक समय विलुप्त होने की कगार पर थी। आज उनकी जनसंख्या 76 से 270 पहुंच गई है और इसमें डॉक्टर रतनचंद्र का बहुमूल्य योगदान रहा है। डॉक्टर रतनचंद्र कर को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। सेहत की बात में जानते हैं क्या है ल्यूपस बीमारी और इससे बचाव के क्या उपाय हैं। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रामक तत्वों और बाहरी रोगाणुओं से लड़ने के लिए बनाया गया है। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमणों से लड़ती है और इसके लिए एंटीबॉडीज का उत्पादन करती है। स्व प्रतिरक्षित रोग से ग्रस्त होने पर प्रतिरक्षा प्रणाली विदेशी संक्रामक तत्वों की बजाय शरीर के अपने ही स्वस्थ ऊतकों पर हमला करने लगती है। ऐसा ही एक रोग है ल्यूपस, जिसे सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस यानी SLE के नाम से भी जाना जाता है। ल्यूपस से ग्रस्त होने पर व्यक्ति के रक्त में असामान्य एंटीबॉडीज का उत्पादन होने लगता है, जिसके कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं शरीर के अंगों व ऊतकों को क्षति पहुंचाने लगती है। इस वजह से सूजन और लालिमा की समस्या होती है। ये शरीर के कई हिस्सों व अंगों को प्रभावित कर सकती है, जैसे जोड़, गुर्दे व जिगर, जो जीवन के लिए खतरा साबित हो सकता है। असामान्य ऑटो इम्यूनिटी का कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन जीन्स और पर्यावरणीय कारकों का मिश्रण इस समस्या का कारण बन सकता है। कई ऐसे कारक हैं जो इसके लक्षणों को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी, संक्रमण और एंटी सीजर दवाएं।
त्वचा का लाल होना व सूजन आना ल्यूपस का प्रमुख लक्षण है। यदि माता पिता में से किसी को ये रोग हो तो उनकी संतान को भी इस समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है। दवाओं की मदद से ल्यूपस के लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित रखा जा सकता है। सही प्रबंधन से ल्यूपस से प्रभावित व्यक्ति का जीवन बेहतर रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब देखते हैं आजादी की श्रृंखला में आज की कहानी। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया, आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। थे भारत के एक वीर सपूत, भास्कर राव बाबा साहेब था उनका नाम। नारगुंड कर्नाटक के थे वो शासक, किए थे अनेक गौरवशाली काम। थे बाबा साहब एक बात से चिंतित, था नहीं उनका कोई उत्तराधिकारी। निश्चय किया एक संतान को गोद लेने का, क्योंकि अगला राजा चुनने की थी बारी। अंग्रेजी अफसरों ने ठुकराया प्रस्ताव और किया उनका अपमान। क्रोधित हुए बाबा साहब और जारी कर दिया बदले का फरमान। उत्तर भारत के स्वतंत्रता संग्राम से हुए वो प्रेरित, एकत्रित कर अपनी सेना को उन्होंने विद्रोह कर दिया घोषित। इस प्रकार दक्षिण भारत में भी वो ले आए क्रांति की ज्वाला और अंग्रेजों को पराजित करने का कार्य काज संभाला। एक दिन ऐसा आया अवसर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बोकारो के राजकीय कृत मध्य विद्यालय चपरी का लिया जायजा, व्यवस्थाओं पर जताई प्रसन्नता। एएनएम दीदियों के बीच इलेक्ट्रिक स्कूटी का किया वितरण। ईडी की विशेष अदालत ने जमीन घोटाले में आईएएस छवि रंजन को भेजा जेल, ईडी के रिमांड पर लेने के आवेदन पर आज होगा निर्णय। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 7 तक की वार्षिक परीक्षा आज से शुरू। और बंगाल की खाड़ी में कल से 9 मई तक चक्रवातीय तूफान मोचा की चेतावनी। मौसम में एक बार फिर दिखेगा बदलाव, बारिश के आसार।